एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू ए बी तो डी ई दैट इज ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर क्लियर है ए सी डी एफ ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर और क्या देख सकते हैं बी सी एंड डी एफ बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर और हम लोग प्रूव करेंगे कि ये भी तो आर्म है ये और ये सिमिलर होंगे अगर हमने बीच में खींच दिया तो ना राइट एंगल ट्रायंगल का रूप होता है हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो ए एल है ये ए एल और उसके करेस्पॉन्डिंग ये डी एम है तो अगर ए बी बाई डी ई का रेशियो बी सी बाई ई एफ या ए सी बाई डी एफ के इक्वल है तो ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रा कर रखा है ए एल एंड डी एम इनका रेशियो भी इक्वल आएगा ठीक है मीन्स दिस दिस इज द ए एल तो इनका है डी एम ए एल स्क्वायर अपॉन डी एम स्क्वायर दिस तो थ्योरम क्या है क्लियर है अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल है ठीक है ए एल इज द परपेंडिकुलर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एम इज परपेंडिकुलर इन द ट्रायंगल डी ई एफ तो हमारे पास इन दोनों की एरिया का जो रेशियो है वो स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग आर्म्स के बराबर होगा अब ये तो दे दिया है इट इज गिवन दैट द ट्रायंगल आर ट्रायंगल तो दे दिया है तो आपके पास आसानी से आप आर्म का रेशियो जनरेट कर सकते हैं गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ क्या लिख सकते हैं ए बी बाई डी ई इंप्लाइज दैट ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ ठीक है हो गया दिस इज फर्स्ट सेकेंड स्टेप एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एल सेकेंड स्टेप इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू वन बाई टू बेस इन टू हाइट वन बाई टू बेस एज अ बी सी तो हाइट एज अ ए एल इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू वन बाई टू ई एफ इंटू डी एम इंटू डी एम टेक रेशियो अरेंज करते हैं देखते हैं कि हमें ये प्रूव करना था आता है कि नहीं आता टेकिंग रेशियो वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ वन बाई टू कैंसिल हो जाएगा बी सी बाई ई एफ इंटू ए एल बाई डी एम ठीक है ना ए एल बाई डी एम फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल दैट इज द लैटिट्यूड No, altitude. That is the altitude. AL is the altitude on BC. DM is the altitude on EF. Now, from the property of similar triangle, AL by DM is equal to the ratio of the corresponding arm in the similar triangle. But from the property of
from the property of similar triangle. Similar triangle. Property of similar triangle. PL by DM. AL by DM. हम BC by EF लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारे पास है ये BC by EF. क्या करना चाहिए? ये जो यहाँ हैंग थे आप AL by DM, उस AL by DM को BC by EF से रिप्लेस करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा. चलिए अगर आप इसको 1 दे चुके थे नाम, इसको 2 दे देते तो आप कहते सो फाइनली फ्रॉम इक्वेशन 2, सो फाइनली फ्रॉम इक्वेशन 2, फाइनली फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, और यहां भी इंटू बी सी बाई ई एफ तो आ जाएगा दिस बाई दिस. ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ, दिस इक्वल टू दिस. अब आप क्या कर सकते हैं, एज वी नो BC by EF is the AC by DF. So, since BC by, ये तो प्रूव हुआ ना, एक प्रूव हुआ, प्रूव. फिर आप क्या कहने वाले हैं, BC by EF is the AC by DF is equal to AC by DF implies that area of triangle A B C upon area of triangle D E F is equal to A C square upon D F square. Similarly, this is equal to this is equal to A B square plus D E square. तो आपने प्रूव किया कि अगर आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनके आप एरिया का रेशियो निकालने वाले हैं, तो वो रेशियो स्क्वायर ऑफ द आर्म्स के रेशियो के बराबर होगा. ठीक है, और 2010 में पूछ दिया था, रिवर्स कर दिया था इसको. देखिए स्टेटमेंट ये था, इफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट. कांग्रुएंट प्रूव करने का मतलब क्या, अगर सारे साइड्स इक्वल हो जाएं तो देखिए सारे एंगल इक्वल होंगे तो वो कांग्रुएंट नहीं होगा. उसका रीजन देख लीजिए, अगर ये एक ट्राइंगल है, इसकी आप मोबाइल से फोटो खींच लेते और इसको आप कॉम्प्रेस करते, तो कॉम्प्रेस करते तो ये ऐसे हो जाता, तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, तो ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल. तो ये सिमिलर हुए, नॉट द कांग्रुएंट. तो एंगल नहीं, आपको एक साइड इन्वॉल्वमेंट चाहिए. अगर हम प्रूव कर देते दिस साइड, दो एंगल और एक साइड आ जाता तो ज्यादा, यानी हमें क्या करना होगा, कांग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमें साइड्स चेक करने पड़ेंगे कि क्या साइड्स इक्वल है. अगर ऐसा है तो हम कांग्रुएंसी प्रूव करेंगे. तो दोबारा सुन लीजिए, इन्होंने पूछा था कि द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट. दोबारा सुन लीजिए, इफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट. दो ट्राइंगल का एरिया अगर इक्वेट कर रहे हैं ये, तो आपसे कह रहे हैं प्रूव दैट दे आर द कांग्रुएंट. तो ये तो बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा.
इन्होंने दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी इन्होंने दिया हुआ है ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ ठीक है। ये कह रहा है कि सिमिलर ट्रायंगल है, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। और साथ में ये कह रहे हैं कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल, सिमिलर तो है ही ठीक है। यदि फोटोग्राफिकली अगर इसको हम इनलार्ज करें या कॉम्प्रेस करें तो उसके साथ उसके आर्म के साथ हमेशा रेशियो में मेंटेन होगा, ये मतलब है आर्म के साथ रेशियो में मेंटेन होगा। हम इन्हें कह रहे हैं आर्म सीक्वेंसी, अगर एग्जैक्टली फिट वन अबाउट द अदर होता है तो कॉन्ग्रुएंसी होती है ठीक है। तो यहाँ एक तो ये दे दिया कि सिमिलर है और दूसरा दे दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये दे दिया है, ये गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी is congruent to triangle DEF, ये कह रहा है। अब इसके पहले जो थ्योरम पढ़ा था वो यहां यूज होगा, means proof triangle area of triangle ABC upon area of triangle DEF अगर सिमिलर है तो आपको पता है square of the arms और उनका रेशियो, यानी रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द आर्म से इक्वल होगा। मींस अगर मैं देखूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, तो आपको पता है ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर फ्रॉम द थ्योरम। अब आप क्या कहने वाले हैं, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इम्प्लाई दैट, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, इज इक्वल टू ए बी बाई डी ई, ए सी स्क्वायर बाई डी एफ स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, इक्वेटिंग दिस इंटू दिस अंडर द नेम इक्वेशन ए, इक्वेटिंग दिस इंटू दिस अंडर द नेम एज इक्वेशन बी, इक्वेटिंग दिस इंटू दिस एज द सी, मीन्स फ्रॉम ए, फ्रॉम ए क्या मिल रहा है आपको, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, वन है ना, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू डी ई, फ्रॉम बी आपको क्या मिल जाएगा, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, सिमिलरली ए सी इज इक्वल टू डी एफ and BC is equal to EF and BC is equal to EF, इसका मतलब है ये आर्म इस आर्म के इक्वल हो गई, ये वाली आर्म इस आर्म के इक्वल हो गई, ये वाली आर्म इस आर्म के इक्वल हो गई, तो एग्जैक्टली कॉन्ट्रैडिक्ट हो गया, क्या प्रूफ हो गया,
This is possible if and only if triangle ABC is congruent to triangle DEF. Triangle DEF. इस तरीके से आपने प्रूव किया कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, एरिया इक्वल है, तो इनके ये ट्रायंगल एक्चुअली में कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर लास्ट थ्योरम में आते हैं, इस पर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे हैं, थ्योरम जनरली पूछते हैं, नहीं थ्योरम पूछेंगे तो आपसे उस पर एक न्यूमेरिकल पूछेंगे। तो यहाँ बड़े न्यूमेरिकल भी हैं, छोटे न्यूमेरिकल। यहाँ जो नेक्स्ट है मतलब पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई करते हैं। कहते हैं कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेस्ट ऑफ द टू साइड। तो देखते हैं ये स्टेटमेंट क्या है और इसको प्रूव कैसे करना है। In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. Means, अगर हमारे पास एक triangle है ABC, right angle triangle है SB, right angle triangle हो गया HB, तो this is the hypotenuse. And this is rest of the two arms. So we have to prove that. We have to prove that AC square is equal to AB square plus BC square. ठीक है, अब ये देखिए 2001 में आया, 2002 में आया, ठीक है, 2003, 2004, डैश 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 2009 तक का मेरे पास रिकॉर्ड है और आगे आया होगा। और जिस जिस साल में ये नहीं आया है, गैप है, उस केस में न्यूमेरिकल आया है, वो न्यूमेरिकल भी हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, इसको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें? बहुत सारे मेथड हैं, या हम इसको सिमिलर ट्रायंगल मेथड पर प्रूव करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। देखिए आप क्या कीजिए ना, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ट्रेस कर लीजिए ऑन द एसी। चलिए हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा ऑन द एसी, टचिंग एट डी एंड दिस इज 90 डिग्री। अब आपने थ्योरम पढ़ रखा था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में फ्रॉम राइट एंगल आप एक लाइन खींचते दैट इज परपेंडिकुलर टू द फ्रंट आर्म, तो इस तरीके से जो तीन ट्राइंगल हैं, दिस दिस एंड दिस बिग वन, ये सिमिलर होंगे। तो ये तो प्रॉपर्टी से आपको पता है। तो एक बार आप बड़े वाले ट्राइंगल का इस छोटे वाले ट्राइंगल के साथ सिमिलैरिटी शो कर लीजिए, प्रूव नहीं करना है। फिर इस वाले ट्राइंगल का बड़े वाले के साथ रेशियो आपका आर्म अरेंज कीजिए, देखिए आसानी से प्रूव हो जाएगा। मीन्स हमारे प्रूफ रूप में आइए।
ट्रायंगल ए बी डी की बात कर लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू, बड़े वाले में ए बी सी, तो लिखे कैसे, ए बी डी का ए बी सी के साथ कैसे अरेंज करेंगे, जरा देखिए। तो अगर मैं इसको कह लेता एफ, तो ये पूरा का पूरा 90 था, ये कितना हो जाता, हो जाता 90 माइनस एक्स। इस छोटे ट्रायंगल में आइए, इस छोटे ट्रायंगल में आएंगे, तो दिस इज एक्स, दिस इज 90, दिस इज 90 माइनस एक्स, दिस इज 90 माइनस एक्स, दिस इज 90 माइनस एक्स, सो दिस इज एक्स। क्लियर है, यानी ए बी डी में ए एक्स है, और जब ए बी सी लेंगे तो ए एक्स है। क्लियर है, छोटे वाले ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि डी 90 है, बड़े वाले ट्रायंगल में बी 90 है। क्लियर है, नहीं क्लियर है, ए डी बी या ए बी डी में ए डी बी 90 है और ए बी सी 90 है, तो बी और डी इक्विवेलेंट हुए। बच क्या रहा है, बड़े ट्रायंगल का सी और छोटे वाले ट्रायंगल का ए बी डी, इसका मतलब है कि यहाँ ये सी है, मीन्स इस ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल आ रहा है ए सी बी, ये आ रहा है, ठीक है, फ्रॉम दी थ्योरम, फ्रॉम दी थ्योरम इट इज नोन, ठीक। अब आपको पता है ए बी ए सी, ए बी बाई ए सी, ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी एंड बी डी बाई सी बी, बी डी बाई सी बी। अब इसमें कोई दो ही लेना है, बी डी, ये वाला बी डी ये नहीं चाहिए, जिसमें छोड़िए, तो ये इसके मतलब आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अगर ये वाला ट्रायंगल उस बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर रिलेशन में है, तो आप लिख सकते थे दिस, हमने कहा हमें ये वाला बी डी वाला आम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, उस केस में ये आया, दिस इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, दिस इज इक्वेशन वन। अब आ जाइए इसमें ट्रायंगल बी डी सी में, ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर टू इस बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी से, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, छोटे वाले ट्रायंगल में जब आएंगे तो ये एक्स है, और बड़े वाले ट्रायंगल में ये एक्स है, ये हो जाएगा। आ जाइए इसमें डी, इस ट्रायंगल में डी 90 है और इस ट्रायंगल में बी 90 है, क्लियर है, ए बी सी कॉमन है, इस छोटे ट्रायंगल का सी और इस बड़े ट्रायंगल का सी कॉमन है, क्लियर है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। अगर ऐसा है तो लिख सकते हैं बी डी बाई ए बी, बी डी बाई ए बी इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू डी सी बाई बी सी, डी सी बाई बी सी, इसमें कोई दो ही चाहिए, बी डी जो आ रहा है छोड़िए, किसमें है बी डी, इसमें है बी डी, छोड़ दीजिए, एक लिख के ऐसे कट कर दीजिएगा, उसकी जरूरत नहीं है ना, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, क्या हो जाएगा, दिस इज बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी, ये आपको मिल गया टू। नाउ एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, ऐड कर दीजिए, देखिए क्या मिलेगा, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू डी सी, दैट इज ए सी इज कॉमन, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, दैट इज ए सी, मीन्स दिस इज ए सी इंटू दिस ऑल्सो इज ए सी, दिस इज
8c स्क्वायर। क्लास नाइन्थ में इसको दूसरे तरीके से प्रूव किए होंगे, क्लास नाइन्थ में आपने इसके ऊपर स्क्वायर बनाया होगा, इसके ऊपर स्क्वायर बनाया होगा, इसके ऊपर स्क्वायर बनाया होगा, और अभी वहाँ से हम प्रूव करते हैं, वहाँ ये थ्योरम ये सिमिलर ट्रायंगल से प्रूव हो रहा है, वहाँ ये कह के प्रूव करते हैं कि दो पैरेलल लाइंस के बीच सेम बेस पर जो भी ट्रायंगल बनेंगे वो सेम एरिया के होंगे। इस थ्योरम पर क्लास नाइन्थ में प्रूव किया, यहाँ आप ऐसे प्रूव करते हैं, वो प्रूव नहीं देंगे, आप ये यही प्रूव देंगे, ठीक है, छोटा भी है, यहाँ आप पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं by the similar triangle relation। इस तरीके से आपने प्रूव किया AC square is equal to AB square plus BC square। कई बार इसका कन्वर्स भी पूछा है, कन्वर्स का मतलब इन्होंने कहा है कि अगर ये रिलेशन फॉलो होती हो, ठीक है, तो एंगल B 90 डिग्री होगा, ये रिलेशन फॉलो होती हो, मतलब जो बिगर आर्म है का स्क्वायर रेस्ट ऑफ द टू आर्म के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो जो एंगल बी होगा जिसके सामने ये बिगर आर्म की जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, वो भी एक लाइन में देख लेते हैं, वो तो एज अ कॉन्ट्रडिक्टरी है। कई बार आया है कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द sum of the square of the other two sides, then the angle opposite to the first side is at a right angle. A 2003, 2005, 6, 7, 9 इस तरीके से आया हुआ है, तो कभी पाइथागोरस, कभी कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस, कभी न्यूमेरिकल, इस तरह से पूछते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल है ए बी following the relation AC square is equal to AB square plus BC square, ये given है, given, तो कह रहा है to prove that angle B is equal to 90 degree, ठीक है। चलिए हम एक प्रूफ में आ रहे हैं, हम एक दूसरा ट्रायंगल ड्रा करते हैं इन सच अ वे ए बी एक आर्म आएगी अंडर द नेम अंडर सम नेम बी सी आएगी एंड ए सी आएगी, इसकी क्योंकि क्लास चलनी चाहिए 11:11। ठीक है।
तो कन्वर्ट ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम में हम लोगों को ये दिया था, प्रूव करना है एंगल बी 90 है। हम AB की इक्विवेलेंट एक आर ले रहे हैं EF, BC के इक्विवेलेंट एक आर ले रहे हैं FG, इन सब जगह कि ये जो आर्म ले रहे हैं FG, दिस इज एट 90, ये 90 ले रहे हैं। एंड EB इज सेम एज द लेंथ AC, means we are drawing in another triangle EFG under the condition that AB and EF are in same value length, BC and FG are in same length, and EG and AC are of same length। अगर ऐसा है तो अब हमारे पास ये तो हमने यहाँ F को 90 डिग्री मेंटेन करके ये खींचा है, मतलब इस आर्म के इक्विवेलेंट ये आर्म है, इस आर्म के इक्विवेलेंट ये आर्म है, इस आर्म के इक्विवेलेंट ये आर्म है। हाँ, हमने EF और FG में जो F था उसको एट 90 पर मेंटेन करके खींचा है, तो इसके लिए तो पाइथागोरस थ्योरम वैलिड है ना, दैट इज EG स्क्वायर इज इक्वल टू EF स्क्वायर प्लस FG स्क्वायर, EF स्क्वायर प्लस FG स्क्वायर, ठीक है। अभी अच्छा आप भी सोचो जरा कि मान लेते हैं ये ऐसे होता तो ये आर्म छोटी हो जाती, और जब इसको हम एट 90 पर मेंटेन करते तो ये और ये बराबर होंगे, इसको गारंटी नहीं होती, तो ये नहीं इक्वल है, तो आप इसको कुछ एडर ले सकते थे, 3 मैंने कर दिया और इसको 4 कर दिया, मींस दे आर नॉट इक्वल, नहीं समझ रहे हैं, मतलब हम कह रहे हैं कि ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और हमने ये एंगल नहीं पता था, बट हमने इन दो आर्म्स को एट 90 पर अरेंज करके ईजी जनरेट कर लिया। अब ये ईजी इक्वल टू ए सी है या नहीं है ये हमें चेक करना पड़ेगा, हमने इसे कह दिया इक्वल है बट वो नहीं इक्वल होगा। आप ऐसे समझिए ना कि ये ए बी होता, ये बी सी होता और ये ए सी होता। अब ए बी के इक्वल हमने ई एफ खींचा, अब बी सी के इक्वलेंट हमने एफ जी खींचा और हमने कहा 90 डिग्री मेंटेन कर दीजिए, तो अब जो थर्ड आर्म हम खींचेंगे वो थर्ड आर्म एसी के बराबर होगा, इसकी तो गारंटी नहीं है ना। तो आप ऐसा कर लीजिए, हम यहाँ कह रहे हैं कि ये गिवन है, प्रूव ये करना है, और हम कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन में हम एबी के इक्विवेलेंट आर्म ईएफ जनरेट करेंगे, बीसी के इक्विवेलेंट आर्म एफजी जनरेट करेंगे, एज अ 90 पर जनरेट करेंगे, तो यहाँ हमारे पास हाइपोटेन्यूस जनरेट होगा एबी। अब ये एबी एसी के बराबर है या नहीं है, इज अनदर थिंग। अब कंस्ट्रक्शन अगर पूरा हुआ तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट, इसके लिए तो पाइथागोरस लग जाएगा ना, दैट इज दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। और हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि EF के इक्विवेलेंट AB है, इसका मतलब है EF के इक्विवेलेंट AB है, एंड FG के इक्विवेलेंट BC है, FG के इक्विवेलेंट BC है, इसका मतलब है EB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज द EB स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो पॉइंट F है वो पॉइंट FB के इक्विवेलेंट है। देख लीजिए EFFG, यहाँ F 90 पर था और यहाँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू EB स्क्वायर है। इफ चलिए ठीक है, ये हो गया ना रिप्लेसमेंट से, बट गिवन भी तो है कुछ, ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर गिवन, इसका मतलब है इसको उठा के इसमें रख दीजिए, इसका मतलब है कि ई बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू ई सी। ईजी और ए सी बराबर है, और ए सी ईजी के बराबर है, दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री।
क्यों? क्योंकि F 90 था, तो उस केस में आपने ये रिलेशन लिखा था this square plus this square is equal to this square. तो आपको क्या करना है, AB के equivalent arm EF generate करना था, BC के equivalent arm FG generate करना था. ये एंगल नहीं पता कितना है, बट इन दोनों को आपने 90 डिग्री पर जनरेट किया. अब G और E को मिलाने पर एक आर्म प्रोड्यूस हुई. नहीं पता कि दिस आर्म इज इक्वल टू AC आर नॉट. अब पाइथागोरस थ्योरम लगाना था तो आपको मिला दिस. अब ये तो AC स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि इन्होंने किया हुआ है इसके लिए. अगर ऐसा है तो इसका मतलब है EG और AC बराबर है. अब आप ही देखिए, ये तो ये दोनों तो कांग्रुएंस हो गए ना. दिस एंड दिस आर सेम, दिस एंड दिस आर सेम, दिस एंड दिस आर सेम. ठीक है, फिट हो गया पाने को दिया जब कांग्रुएंट प्रूव हो गया. इसका मतलब है कि दिस एंड दिस आर आल्सो द सेम. यानी एंगल एफ अगर 90 था तो एंगल बी को भी 90 होना होगा. इस तरीके से आपने प्रूव किया कि यहाँ इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अगर ये दिया है तो कंफर्म है कि ये रिलेशन वैलिड है अगर बी 90 डिग्री हो. उसने में सब देखे थे. न्यूमेरिकल जाने से पहले देखिए, स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम है. इन्होंने एक ट्रायंगल ए बी सी दिया है में परपेंडिकुलर मींस की एक डायग्रामेटिकली देखिए लैंग्वेज में नहीं किया. प्रॉब्लम इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी. इंफॉर्मेशन नहीं है. दिस एडी, दिस एडी इज परपेंडिकुलर टू बी सी. प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. लिख लेते हैं जरा. दिस इज गिवन, डायग्राम इज गिवन एंड सेड दैट प्रूफ ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर 2009 में इधर आया हुआ है इन सी एस सी. ये कह रहा है ठीक तो है कि पाइथागोरस से एक लग गया. आप इसके बारे में लिखिए तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. क्यों? इस ट्रायंगल से. ठीक है, और आपके पास एक ट्रायंगल और है, राइट एंगल ट्रायंगल, दिस दिस वन. इसको देखिए, ये देखा. इसके लिए क्या लिख सकते हैं? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. देखिए इसमें एडी नहीं है कहीं. क्या करना चाहिए? डिफरेंस लेना चाहिए दोनों का. माइनस 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 क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा. ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर या सी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर. माइनस वाला टर्म उधर कीजिए, ये वाला टर्म उधर कीजिए. प्रूफ हो गया. अब ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा. ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर करेंगे तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. तो सिंपल क्वेश्चन हुआ एकदम.
ठीक है, ऐसे दे दिया कि ए बी सी इज एनी ट्राइंगल, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, प्रूव दैट दिस। अब आपके पास दो राइट एंगल, दो राइट एंगल, क्योंकि इसके बारे में तो पता नहीं बड़े वाले के, लेकिन ये और ये ट्राइंगल जो है इसके बारे में पता था, पाइथागोरस लगाया, अरेंज कर दिया, आपको आंसर मिल गया। सिंपल प्रॉब्लम। सिक्स और नाइन में क्वेश्चन आया था, फिर इन्होंने दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है, और फिर इन्होंने यहां से एक परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है डी, और कह रहे हैं प्रूव दैट एडी स्क्वायर, प्रूव दैट एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी सी डी इज इक्वल टू बीडी इंटू सी डी। ये कह रहा है, ये 2009 में इधर लेटेस्ट में आया हुआ है, सीबीएसई 2009। क्या कर सकते हैं, एक तो आपके पास तीन, यहां देखिए तीन बार पाइथागोरस आप लगा सकते हैं, एक बार आपके पास ये है, एक बार आपके पास ये है, और एक बार आपके पास ये है, यहां से भी अरेंज हो सकता है, और सिमिलर ट्राइंगल का भी ले सकते हैं, आपको पता है दिस सिमिलर टू दिस एज वेल एज दिस separately similar to this big one and this separately similar to this big one, इतनी पॉसिबिलिटी है, वही है बचने वाली बात है कि हम पाइथागोरस लगा के चेक करें, हम सिमिलैरिटी लगा के चले, आना तो है ही, टाइम जितना लग जाए, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। पाइथागोरस तो तीन बार आप लगा ही लोगे, मीन सॉल्यूशन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ए डी बी में आइए, ट्रायंगल ए डी बी क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। एंड थर्ड आ जाइए ए डी सी में, ट्राइंगल ए डी सी में आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी सी है ना, सी ए डी सी, ये ए सी स्क्वायर कर लो, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये पहुंचे 1 2 3, आप लिख लीजिए 1 2 3, ये बड़ा वाला है, ये छोटे वाले हैं दोनों, छोटे वाले मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला है, इन दोनों को ऐड कीजिए, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 and 3 को ऐड कीजिए तो आपको मिलेगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2 डी सी स्क्वायर, लिख रहा है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये मिल रहा है, ध्यान देखिए तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज द बी सी स्क्वायर, यानी फ्रॉम 1 दिस इज टू बी रिप्लेस बाई बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू नाउ बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस
AD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। देखते रहिएगा, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस ट्वाइस BC होल स्क्वायर। BC को क्या लिख सकते हैं आप, तोड़ दीजिए BC को, BC को लिख सकते हैं BD प्लस DC। तो BC कैन बी रिटन एज BD प्लस DC। दिस फ्रॉम फिगर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2DC स्क्वायर। ठीक है ना, क्यों ऐसा किए हैं, इसको तोड़े हैं। देखिए BD इंटू CD, ये दिस BD इंटू CD, ये जनरेट होने वाला है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दिस, दिस BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस ट्वाइस BD इंटू CD is equal to BD square plus AD square। ठीक है, plus twice BC square। देखिए कुछ कैंसिल हुआ, BD square and BD square कैंसिल हुआ। CD स्क्वायर को उधर ले जाइए, क्यों BD CD चाहिए ना हमें, तो ये हो जाएगा ट्वाइस BD इंटू CD इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस ट्वाइस DC स्क्वायर। ये उधर जाएगा हो जाएगा माइनस CD स्क्वायर। ठीक है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल होने वाले हैं। भटक गए, एक AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, CD स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, CD स्क्वायर को लिख सकते हैं AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। चलिए ठीक है, ये एक मिनट, ये फिर का अरेंजमेंट है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू पहला क्या लिखे थे, पहला रेक्टेंगल ABC, तो ध्यान दीजिए क्या लिखे थे ABC, BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल क्या लिए थे ADB, ADB तो इसमें था AB स्क्वायर कैन बी रिटन एज AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, सही है। तीसरा ट्रायंगल था ADC, ADC ये वाला, तो हमारे पास था AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर सही था। फिर हमने क्या किया, हमने कहा एडिंग 2 एंड 3, तो अगर हम 2 एंड 3 को ऐड करें, 2 एंड 3 को, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस AD स्क्वायर। AB square, AB square, AD square, AD square, AD square, AD square, ये गड़बड़ है क्या, ट्रायंगल ADB में आइए, तो ADB में आइए, तो AB square इक्वल टू AD square, ट्रायंगल AB, ADB ये वाला ट्रायंगल,
तो AB स्क्वायर इज द BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये गलत लिखे हैं भैया। AD स्क्वायर आप लोग सामने बैठे होते तो ये गलत नहीं होता, क्योंकि जब मैं लिखता तो आप कहते कि अरे सर आपने गलत लिखा, बट कैमरे को देख के पढ़ाना है तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। तो आप दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, AD स्क्वायर प्लस दिस प्लस दिस, फिर हो जा रहा है BD स्क्वायर, ये हो जा रहा है 2AD स्क्वायर दिस, इसलिए कैंसिल नहीं हुआ। 2AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको हमने AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को हमने रिप्लेस किया है 1 से, तो हो गया BC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर अब प्लस 2AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अभी BC को आपने ओपन कर लिया BD प्लस DC से, तो BD प्लस DC इधर है BD स्क्वायर प्लस तो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ओपन करेंगे तो इधर वाला चेंज हो रहा है ना, ओपन करेंगे तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दिस, और ये हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस ट्वाइस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये है। नाउ BD स्क्वायर से ये BD स्क्वायर कैंसिल हुआ और CD स्क्वायर से ये CD स्क्वायर कैंसिल हुआ, आपने प्रूव किया तो ट्वाइस BD इंटू CD इज इक्वल टू ट्वाइस AD स्क्वायर, यहाँ से आपको मिल रहा है AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD, प्रूव। एक मेथड है, ठीक है, दूसरा मेथड हम आपको बताते हैं। आप सिमिलर ट्राइंगल से भी तो ले सकते थे, देखिए किसका स्क्वायर है, AD का, यानी कि दो बार AD आएगा तो काम हो जाएगा, यानी आप इन दो छोटे ट्राइंगल को लीजिए तो मीन्स अगर ये मैं x ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, तो दूसरा मेथड हम आपको बता रहे हैं माइनस x हो जाएगा। अब ट्राइंगल ABD की बात करें, ट्राइंगल ABD सिमिलर टू इस छोटे वाले में, देखिए ए इधर वाले में क्या था, डी था, तो इधर वाले में भी डी है, बी एक्स है और ये 90 माइनस एक्स है, ये एक्स होगा, यानी ए, नहीं क्लियर हो रहा है। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में सिमिलरिटी लिखना चाहते थे, इसको फिक्स कर दिए ए बी डी। अब इधर हम ए बी सी लिखें कि सी ए डी लिखें कि डी ए सी लिखें, क्या लिखें, तो वही तो ढूंढ के दिखा रहे हैं कि इधर इसमें जो बी है एक्स डिग्री, तो इधर वाले में वो ए है, यहाँ इसमें जो ए है वो ये 90 माइनस एक्स है, यहाँ सी है, क्लियर है। सी ए डी मीन्स ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलर है, तो प्रॉपर रिलेशन क्या है, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए डी, चेक कर लीजिए, ए 90 माइनस एक्स है, सी 90 माइनस एक्स है, बी एक्स है और उनका ए इस ट्राइंगल में एक्स है, डी 90 डिग्री है, इधर डी 90 डिग्री है, क्लियर है, ये मिल गया। अब आपको पता है आप क्या लिख सकते हैं, ए बी ए सी, ए बी ए सी लिख सकते ना, ए डी सी डी, ए डी देखिएगा ए बी ए सी, ए डी सी डी इज इक्वल टू और क्या है, बी डी बाई ए डी, बी डी बाई ए डी, इसमें कोई दो एक्सेप्ट करना है, आपको क्या लाना है, ए डी स्क्वायर दिख रहा है, ए डी स्क्वायर इन दोनों को कंसिडर कीजिए, कंसिडरिंग दिस टू ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, सिमिलर ट्राइंगल से कितनी आसानी से आ गया, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, बी डी इंटू सी डी। तो नंबर दोनों में सेम मिल रहा है, पाइथागोरस मेथड से लगाए तो तीन ट्राइंगल जनरेट हुए,
दो छोटे ट्रायंगल को ऐड करके बड़े ट्रायंगल के साथ एडजस्ट किए तो भी आ गया, ठीक है, कहीं लिखने में अगर हो गया तो लटक गया। सिंगलर ट्रायंगल में अगर आप दो छोटे ट्रायंगल के सिंगलरिटी के लिए ट्रायंगल को ठीक से लिख पाते तो आर के रेशियो इक्वेट होते, और अगर आर के रेशियो इक्वेट होते तो यहाँ से आपको देख लेना था कि किन दो रेशियो को आपको अरेंज करना पड़ेगा टू गेट द फाइनल आंसर। इस तरीके से ये प्रूव, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन भी आता है, ऐसा नहीं है, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन लगा लेते हैं, कह रहे ए मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट, एक मिनट छोटे क्वेश्चन भी लगा के देख ले। क्वेश्चन कह रहे ए मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, 15 मीटर ड्यू वेस्ट, 15 मीटर ड्यू वेस्ट एंड 8 मीटर ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ मीन्स देन टर्न लिया और 8 मीटर ये चलकर गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ था यहाँ मिलेगा, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, आपको पता है दिस इज 15, दिस इज 8, नाउ दिस इज और राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि ये 90 होता है, तो आप वेस्ट चल के और टर्न में लिए नॉर्थ की तरफ, ये 90 हो गया, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, दैट इज 64 एंड 15 स्क्वायर दैट इज 225, कितना हो गया आपके पास, आपके पास हो गया 289, देख लीजिए दिस इज 17, यानी 15 मीटर ड्यू वेस्ट 8 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो 17 मीटर का आएगा। और भी आसान, 25 मीटर की लैडर है, रीचेस द टॉप ऑफ बिल्डिंग ऑफ 24 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग है जो 24 मीटर हाइट की है और एक लैडर हम इस पे लगा रहे हैं जिसकी लेंथ 25 मीटर है, यानी कि हम बहुत सारा इंक्लिनेशन दे सकते हैं, लेकिन अगर हमें यहाँ पहुँचना है व्हेन दिस इज द ग्राउंड तो हमें लैडर ऐसा लगाना चाहिए कि लैडर एग्जैक्टली यहाँ तक पहुँच जाए, अगर ऐसा है तो ये कह रहे हैं कि ये इसकी वैल्यू बताइए, ये कह रहे हैं कि लैडर इज द 25 मीटर लॉन्ग, फिर तो पाइथागोरस लग जाएगा, ये वॉल हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, लैडर की लेंथ एज अ हाइपोटेनस काम कर रही है, और ये क्या लिख पाएंगे इसको, अंडर रूट 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, नहीं क्लियर हो रहा है, दिस स्क्वायर कैन बी रिटन एज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर से दिस इज x, तो लिख पाएंगे दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा ये एज अ 7 यूनिट मीटर लिए मतलब मीटर, इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम पे प्रॉब्लम आती है, हमने एक यूनिट ट्रायंगल खत्म।